लोग भी इंसान हैं, आपके अंदर भी दिल है, मर्जी तो ये आपकी ड्यूटी है, लेकिन इंसानियत के नाते आप जरा दिल पे हाथ रख के सोचिए। एक माँ बार बार इतनी दूर से यहाँ धक्के खाती हुई आती है और आपको जरा भी नहीं लगता कि इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। आप अपनी ड्यूटी करिए, सिर्फ ड्यूटी, मैं कुछ और नहीं मांग रही हूँ आपसे कि आप ना इंसाफी करें किसी के साथ, इंसाफ करिए मेरे साथ। मेरा नजीब 1.5 साल होने को आया, आज तक उसका कोई पता नहीं है क्यों क्यों क्यों। वो एक मामूली सिंपल सादा गरीब बच्चा है, वो नीरव मोदी नहीं जो हजारों करोड़ लेके भाग गया। उसे लाने में आपको शायद सालों लग जाए, नजीब को तो आप पल में ला सकते हैं, वो तो बहुत मामूली सा इंसान है, एक स्टूडेंट है JNU का, जिसकी आप 1.5 साल से इंक्वायरी कर रहे हैं, वो विजय माल्या नहीं जो आप थक जाए हार के। मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद मेरी इन बातों से आपकी गैरत जाग जाए और एक माँ की दुआएं आपको मिल जाए, आप उसके बेटे से उसे मिला दें। आप भरोसा रखें, मैं कभी आपको बददुआ नहीं दूंगी जब तक आप ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन जो हुकूमत आपके सरों पर बैठी है इसके लिए तो मेरे दिल से कभी दुआ भी नहीं निकलेगी, क्योंकि इसने मुझे 1.5 साल से सिवाय सड़कों पे दौड़ाने के कुछ नहीं किया। हर मुमकिन कोशिश की है मेरी आवाज दबाने की, और आज भी यहाँ पे ये पुलिस की गाड़ी, ये वाटर वैन, ये सब कुछ खड़ा कर रखा है, ये सब गलत है भैया। आप क्या तोड़ फोड़ करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने आई हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ पूरी दुनिया से लोग खड़े हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, माँ, बहन, बेटियाँ, बेटे सब मेरे साथ हैं। अगर आप लोग भी मेरे साथ हो जाएं तो मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता, और आपको मेरे साथ आना होगा। मैं जानती हूँ आप भी औलाद वाले हैं, आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, कल ये फिर किसी और के साथ होगा। अगर आप इसे रोकना चाहते हैं तो रुक जाइए और मेरे साथ में आ जाइए और इसको रोक लीजिए, इंसाफ दिलाने में मेरी मदद कीजिए, सही मायने में सही तरह से इन्वेस्टिगेशन कीजिए,